आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पैसे तो अर्जन करते हैं आप, परंतु पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हमेशा ऐसा होता है, एक बार की बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया आपने, आपको ऐसा लगने लगा कि बैंक बैलेंस बहुत मजबूत हो गई है हमारी, अब हमारी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है, हमें बहुत सुख मिलेगा, हम बहुत समृद्ध हो गए हैं, ऐसा आपको लगना शुरू होता है कि खर्चे प्रारंभ होना शुरू होते हैं, और खर्चों का यह सिलसिला इतना लंबा चलता है कि वर्ष भर की सेविंग एक बार में खत्म हो जाती है। धन की ये जो कमी है, ये जो परेशानी है, आपके जीवन से जाती ही नहीं है। धन खत्म हो गया, थोड़ा सा धन कमाया, फिर खत्म हो गया। आपने एक छोटा सा कर्ज लिया और कर्ज को चुकाने के लिए न जाने कितने कर्ज लेने पड़े, कर्ज से दबते चले गए आप। कई कहानियां सुनी आपने, किसी ने माता लक्ष्मी की पूजा की और कितना अर्जन कर लिया, किसी ने कुछ व्रत रखा और क्या कुछ नहीं मिल गया उसे, कोई मंदिर जाना प्रारंभ किया, 7 हफ्ते में उसकी किस्मत बदल गई, ऐसी सब सुनी आपने कहानियां। आपकी किस्मत कभी नहीं बदली, आपको आस्था है, उपाय पर भरोसा है, पूजा पाठ पर, अपने अपने मंत्रों पर, अपने यंत्रों पर, सब पर आप पर भरोसा है, किंतु चमत्कार वास्तव में होता क्या है आपने अब तक नहीं देखा। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो नहीं देखा, तो चलिए अब दिखाती हूँ चमत्कार आपको। क्या अपने घर में आप पौधे में पैसे को उगते देखेंगे? जी हाँ, मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज अपने घर के मिट्टी पौधे में सिर्फ डाल देना, पैसे उगेंगे। और कितने उगेंगे? जितने आपकी जरूरत है, जितनी आपकी कामना है। आपको 25 लाख चाहिए तो 25 लाख मिलेंगे, आपको 50 लाख चाहिए तो 50 लाख। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, करोड़ों में उन्होंने अपनी अपनी इच्छा पूरी की है इस एक अद्भुत प्रयोग से। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, धन से जुड़ी हर समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी, इतना पैसा बरसेगा संभाल नहीं पाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे सनातन में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे उपाय हैं कि भाग्य एक दिन में मनुष्य बदल सकता है, वह भी स्वयं अपने हाथों से। बस थोड़ी सी जानकारी का अभाव है और आप अंधेरे में हैं, जरा सी जानकारी आप प्रकाश में आएंगे, हर वो कार्य करेंगे जिससे धन आने के मार्ग खुलते चले जाए। जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं ध्यान से सुनिए, उपाय सार्थक होता है आपके विश्वास पर, तो मेरे बताने पर उपाय ना करें, अपने विश्वास के साथ उपाय करें। आधी जीत तो आपके विश्वास की होती है और बाकी आधी उपाय संभाल लेता है। यदि बचपन से आपने अमीरी नहीं देखी और अब इच्छा है कि जो जीवन के दिन बचे हैं वो अमीरी में गुजरे, बहुत सारे पैसों में गुजरे, धन की वर्षा हो आप पर, तो चलिए बताती हूँ वह प्रयोग जो सच में कराएगी धन की वर्षा आप पर। हो जाएंगे आप अमीर, बन जाएंगे आप करोड़पति, इस एक चीज को अपने घर के फूल पौधे में केवल लगा देना, धन बरसेगा चारों तरफ से, सुख बरसेगा, मन की हर कामना पूरी होगी, पैसों में खेलेंगे आप। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको समृद्ध करता है। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, खाना बनाते वक्त, भोजन करते वक्त, सोने से पहले, सोने के समय, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त, किचन में कोई भी काम करते वक्त, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। भाग्य न बदल जाए तो कहना रुपयों में खेलोगे, किस्मत बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए, भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस एक टुकड़े की जिसे अपने घर में लगा देने से पैसे उगेंगे पेड़ पर। कहते हैं ना, पैसे पेड़ में उगे हैं क्या जो तुम्हें तुरंत से उठाकर 10,000 दे दूँ? हाँ, पैसे पेड़ में उगे हैं, इतना धन आएगा आपके पास,
मार्ग खुल जाएंगे। जो भी आपके जीवन में नया व्यक्ति आएगा आपको धन कमाने का नया उपाय बताएगा और जोर देगा धन कमाने के उपाय से। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करें यह दिन, और ये 11 दिन चमत्कार ना ला दे आपके जीवन में तो कहिए। स्वच्छ होकर करें, महिलाएं बिल्कुल भी पीरियड्स का ख्याल रखें, साफ सुथरे हो लें, बाल धो लें तभी ये प्रयोग करें, पुरुष भी स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। और ये 11 दिन आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना है, झूठ सच ज़्यादा नहीं करना है, किसी की आलोचना नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, शांति से बिताएं। माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। ऐसे घर में गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं ना हम लोग, यदि हो तो सर्वोत्तम, चांदी की हो तो और सर्वोत्तम, ना हो तो मिट्टी की हो सर्वोत्तम। बिल्कुल ये सारी चीजें ना हो तो फोटो चलेगी, आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर चलेगी। सिंदूर अर्पण करें माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन, और एक संपूर्ण अदरक का टुकड़ा ले, अदरक जिंजर समझ गए, मार्केट से ले आए, संपूर्ण कहीं भी कटा हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, सूखा हुआ ना हो, संपूर्ण स्वस्थ अदरक का एक पूरा संपूर्ण अदरक ले। माता लक्ष्मी के दाहिनी तरफ यानी माता लक्ष्मी का दाहिना हाथ, एक संपूर्ण अदरक माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ की तरफ आपको स्थापित करना है, वहीं पास में कर दे। आपको कटोरी में थोड़ा सा जल लेना है, केवल जल और कुछ नहीं। इस जल में अपनी ये मध्यमा उंगली, दाहिने हाथ की ये मध्यमा उंगली इसी जल में डालने, कटोरी में जल लेकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली इसमें डाल दें। इस मंत्र को आप 108 बार जप करें, ओम श्रीम श्रिये नमः, ओम श्रीम श्रिये नमः, ओम श्रीम श्रिये नमः। जल में अपनी उंगली को फेरते हुए इस मंत्र से अभिमंत्रित करें, इस जल को सार्थक करें, और इसी जल को अदरक पर लगाना शुरू कीजिए। 7 बार 9 बार 11 बार आप अदरक को से अदरक पर इसी जल को लगाइए। जल को जब आप अदरक पर लगाएं तब आप उस अमाउंट को कल्पना कीजिए जो आपको चाहिए। 11 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। देखो हद से ज़्यादा लालच मत करने लगना, वो भगवान है, वो परमात्मा है, माता लक्ष्मी बैठी है, तो दुनिया को छल सकते हैं आप, उन्हें नहीं छल सकते। आपको ज़रूरत है 5 लाख की, आपको ज़रूरत है 25 लाख की, एक घर सोचा है आपने, गाड़ी सोची है, तो ऐसे मत करना कि आप 7 करोड़ मिल जाए मुझे, 25 करोड़ मिल जाए मुझे, ये सब मत करना। जो जरूरत है, दिल दिल कचोटता है ना, मन कचोटता है, कहीं से भी ये 5 लाख रुपए आता तो मेरा ये काम हो जाता। बस वो जो सत्य है आपके अंदर से निकल रहा ना कि कहीं से ये 5 लाख, ये 5 लाख मांगना। अब आ जाए कहीं से 5 लाख तो काम हो जाए, और मांग रहे हैं 25 करोड़ मिल जाए, तो ये छल परमात्मा के साथ नहीं चलता। वो जो हृदय आपसे आवाज निकल रही है ना, उतना ही मांगना। अदरक पर जल लगाना आराम से, 11 दिन तक लगातार ये काम करना। अदरक 11 दिन तक माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ की ओर रहेगा, और 11 दिन के बाद 11वें दिन भी ये काम करना, नमन करना, प्रणाम करना, और इस अदरक को उठाकर अपने घर में एक गमले में मिट्टी डालकर रखना, स्वच्छता से पानी डालकर रखना, और थोड़ा गड्ढा खोद के जैसे किसी रोप देते हैं ना, पैसों वाला पौधा रोपते हैं ना, इस अदरक को अपने घर की मिट्टी में दबा देना। यदि फूल गमला पौधा ना हो तो आप आंगन की मिट्टी में भी दबा सकते हैं, बिल्कुल ना हो कुछ तो तुलसी पिंडे में भी दबा सकते हैं। कुछ उगेगा नहीं, परंतु क्या कहूँ कि कैसे सार्थक होगा आपका जीवन, इतना धन बरसेगा संभाल नहीं पाएंगे। 11 दिन के भीतर ही आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ तो होना शुरू हो गया है। क्या अनुभव किया आपने इस उपाय को करके, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।